बेटा 15 अक्टूबर को दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जहां पर ममता सिंह मैडम है उनके द्वारा पीटा गया और बहुत टॉर्चर किया गया और सब बच्चों से अलग बैठा दिया गया, जिससे वो बहुत परेशान हो गया और वहां से आया, हमको सारी बात बताया। उसके बाद वो ट्यूशन जाने के बहाने निकलकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लिया। आज हम मैडम से मिले, अभी एसपी महोदया से, तो जो उनका रिस्पॉन्स था, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के जिस तरीके से उनका बिहेवियर था, उनको हमें उन्होंने एक मैसेज हमको ये दिया कि हम उन पर प्रेशर इन्हांस करने आए। हम तो अपने बात रखने आए थे कि श्रीमान जी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई, बेल खारिज हो चुकी है, पुलिस क्या कर रही है। वो कह रही है NBW ले लिया है हमने, और मतलब हमको बता रही थी कानून। सिद्धू से बात करूंगा। सिद्धू मैम, इटली से बात करने के लिए धन्यवाद। जरा मुझे बताइए कि वो क्या था इंसिडेंट और आखिर कैसे उस बच्चे के साथ ऐसा केस हुआ सर जी? वो बच्चे को कहते हैं कि टीचर ने मारा और वो जब रो रहा था, जब उसको वाइस प्रिंसिपल के पास लेके आए तो हमने, तब हम ऑफिस से निकले और उसको कहा कि आप क्लास पे जाइए, तो कहने लगा मैडम और बच्चे भी गाली देते हैं, और मैंने कहा नहीं हम नहीं सुनेंगे, जाओ तुम क्लास में जाके बैठो। उसके बाद उसकी क्लास टीचर ने नंबर दिया सेक्रेटरी को कि पेरेंट्स को कह दो कल वो प्रिंसिपल मैडम को आके मिलेंगे बच्चे के साथ। घर वो गया है, जो वो नॉर्मल था, टिफिन खाया है उसने, बस में खूब ठीक ठाक था। घर गया 3-3.5 घंटे के बाद, जब वो ट्यूशन के लिए गया है तो उस दिन उनकी टीचर ने ट्यूशन नहीं ली, तो उसके बाद वो बच्चा गायब हुआ है। मैम एक चीज मुझे ये बताइए कि जैसा परिवार वाले जैसे आरोपी भी लगा रहे हैं कि वो जो कंसर्न टीचर था उसने किया, उसके खिलाफ क्या स्कूल ने एक्शन लिया और अब तक क्या उसमें कुछ देरी हुई, स्कूल किस स्टैंड पे है कायम? अभी तो चूंकि मैटर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, आपका क्या पक्ष है आप जरा वो हमें बताएं। देखिए हमने तुरंत उनका सस्पेंशन लेटर तैयार कर दिया, लेकिन वो 16 तारीख से नहीं आई, उनके घर भिजवाया गया और उनको सस्पेंड कर दिया कि टेक फर्दर एक्शन। रुद्रांश की मौत का एक मामला था, इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई और एक ARTO में फायरिंग हुई थी, दोनों मामलों में क्या कार्रवाई हुई? हरचंद तो जो मोदी स्कूल है उसमें एक स्टूडेंट जो 6th क्लास का स्टूडेंट है उसके द्वारा आत्महत्या कर लिया गया था, इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और कार्रवाई चल रही है, विवेचना में जो भी निर्दोष के आधार पर सही होगा।